बाराबंकी से है, जहां ग्राम बसारी परगना मोहम्मदपुर खाला तहसील फतेहपुर में मांगे पूरी ना होने से भीम आर्मी भारत एकता मिशन एवं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गन्ना दफ्तर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरना दे रहे किसानों का कहना है कि पूर्व में कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन समस्याओं का हल नहीं निकाला जा सका है अभी तक। और इसके साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 12 सूत्री ज्ञापन SDM को सौंपते हुए समस्याओं के निराकरण की मांग की है। साथ ही कहा है कि जब तक समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। और मांगे पूरी ना होने से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बता दें कि किसानों का कहना है कि बार-बार सक्षम अधिकारियों को जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देश दिए जाने के बावजूद भी तहसील क्षेत्र के किसानों को झूठा आश्वासन व समय का अभाव बता करके वापस कर दिया जाता है, और इसके बाद समस्याओं का निस्तारण गलत ढंग से करके ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मेरा नाम घासीराम गौतम है। हमारे पिताजी पट्टे सिलिंग पट्टेदार हैं, जबकि 9 फरवरी से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था 2023 में। आज तक हमको आश्वासन मिलता रहा है कि कब्जा मिल जाएगा, मलदरामत हो जाएगी, लेकिन आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला। कितने वर्ष हो गए? लमसम 40 साल पट्टा हुए हो गए। अच्छा, फिर वो जमीन तो खाली करा लिया है सामने धरना प्रदर्शन के बाद लमसम 1 साल पूर्व, लेकिन आज तक उस जमीन पर हम लोगों का अमल दरामद और कब्जा नहीं हो पाया है, मात्र आश्वासन मिलता है धरना प्रदर्शन में। हमारे पिता ने पट्टा पाया 1973 में। मैं तीसरी बार धरना दे रहा हूँ, अभी तक हमारी कार्रवाई कोई अधिकारी जिला प्रशासन ने किया है ना, ऊपर से कोई कार्रवाई होती है, बार बार आश्वासन मिलता है, झूठ अधिकारी बोलते हैं। नाम घासीराम गौतम है।